बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, खुश हमदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। तैयारी हमारी थोड़ी सी हो गई है, थोड़ी बाकी है और हमें निकलना है एक सफ़र पे छोटे से, और वो सफ़र किधर को जाता है वो तो आपको साथ साथ चल के फिर ही पता चलेगा। हमने सामान जो है वो लोड कर लिया और एक मेन आइटम जो है वो सबसे ज़रूरी जो थी मेरे पास इस सफ़र के लिए वो रहती है, वो लेके आगे इसको बस पिक कर लिया। वो मेन आइटम थी ये, बाइक हमने रेडी कर ली है, सिर्फ रह गया हेलमेट और फिर निकलते हैं इंशाल्लाह अपने सफ़र पे। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज भी है मज़ेदार वाला। फार्म हाउस से निकलते ही हमारे सफ़र का आगाज़ होता है इस खूबसूरत से सोलिंग वाले रोड पे, जो कुछ ही रह गए हैं पाकिस्तान की हदूद में, बाकी मोस्टली जो है आप कारपेटेड रोड हो चुके हैं, मगर इसकी भी एक अपनी लुक और अपना ही मज़ा है इसके ऊपर भी सफ़र करने का। बहुत पुरानी यादें जो है इस तरह के रस्तों से वापस आए तो वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। यहाँ पे गाँव के उस रास्ते के बाद माशाल्लाह ये एक और खूबसूरत सा रास्ता, बहुत मज़ा आता है इन रस्तों के दरमियान से सफ़र करने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रास्ता हमें जो है यहाँ से सियालकोट तक ही मिलेगा, यानी हमारे गाँव से सियालकोट तक। सियालकोट के बाद जो सफ़र होगा उसमें ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, सिर्फ यही वो रोड था जिसमें ट्रैफिक थोड़ी कम था। खैर, सफ़र हमारा जो है वो जारी है, देखते और दिखाते हैं आज आपको हमारी मंजिल। ये देखें माशाल्लाह, जहाँ से रोड आगे भैंसे गए वो वहाँ तक भैंसे आ रही हैं। खैर, हम यहाँ रुके थे, मेरी अचानक नज़र पड़ी इस मोबाइल होल्डर पे और ये तकरीबन गिरने ही वाला था, इसको जो है वो टाइट कर लेते हैं। अक्सर GPS के इस्तेमाल में हमें ये काफ़ी मदद देता है, तो इसको ज़ाया नहीं करना। मैंने सोचा आपको दिखाते हैं पाकिस्तान में भैंसे भी रोड के ऊपर चलती हैं इतनी ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट हम पहुँच गए और यहाँ लग गई है मोटरसाइकिल को रिजल्ट। अब देखते हैं यहाँ से आगे कितना सफ़र जो है वो इस रिजल्ट में कर सकते हैं। मैंने इससे पहले इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं किया, आज इंशाल्लाह जो है इसका भी एक्सपीरियंस लेते हैं जहाँ कहाँ जाके मोटरसाइकिल बंद होती है। सफ़र वैसे हमारा अभी लंबा ही है और आज हमें हमारा सामान जो है वो भी बहुत तंग कर रहा है। लाइफ में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि मेरा बांधा हुआ सामान जो है वो दो मरतबा खुल गया रास्ते में, साहब लगाए। पहले तो मैंने शूट नहीं किया, मैंने कहा चलो यार हो जाता है, लेकिन अब फिर खुल गया, साहब लगाए इसका। अब इसको ज़रा अच्छे तरीके से बांध के फिर निकलेंगे अगले सफ़र पर इंशाल्लाह। दोबारा से 10 मिनट लगा के सामान अच्छे तरीके से बांध लिया, अब लेके चलते हैं इसे अपनी मंजिल पे। सामान आप जानते तो हैं ही है, हलवा का दूध जो हमने तोड़ा था। चलते हैं और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट हमारा सफ़र और नेक्स्ट हमारी मंजिल। सियालकोट के इस रोड पर लगती है मंडी मवेशियाँ, हर ईद के ईद तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है यहाँ पर। अभी से ट्रालियों का और नए स्टाल जो जानवर और हर तरह से जो है वो गहमा गहमी शुरू हो गई है, लेकिन हमें जो अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच रहे हैं तो जल्दी जल्दी निकलते हैं। वैसे इस रोड पर चलते हुए हम डेड स्लो हैं, तकरीबन 20 पर बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल जा रही है क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। और माशाल्लाह जानवर देखें साइडों पर, क्या बात है, इनके रेट सेट भी इंशाल्लाह जल्दी चेक करेंगे। विजिट करते हैं इस जगह, काफ़ी सारे जानवर आ गए, हमें इसका तो अंदाज़ा ही नहीं था कितने जानवर हो सकते हैं यहाँ पे। पीछे तक फिलहाल तो रोड जो है वो साफ है, कुछ ही दिन में इस रोड के ऊपर जो है वो हर तरफ आपको जो है ना कीचड़ ही कीचड़ नजर आएगा। माशाल्लाह वो देखिए पहले, आज तो जाते जाते मंडी की सैर भी हो गई यार, बहुत ही खूबसूरत और तकरीबन हर रेट के जानवर जो है यहाँ पे मौजूद है। तो सियालकोट के कीर्तन नवाब वाले जिन लोगों ने जानवर खरीदते हैं वो यहाँ पे और भी देखे। तकरीबन आधा घंटा सियालकोट के इर्द गिर्द मोटरसाइकिल चलाने के बाद अब हम यहाँ पे सियालकोट को कह रहे हैं आजाद। सफर चलता जा रहा है हमारा और मंजिल नजदीक आती जा रही है, इंतजार की घड़ियां थोड़ी रह गई। अल्हम्दुलिल्लाह बाइक चलाते चलाते हम जो है गुजरांवाला पहुंच गए और सियालकोट से लगी थी मोटरसाइकिल को रिजर्व, यानी कि तकरीबन 55 किलोमीटर का सफर हमने रिजर्व किया था कर लिया। अभी पता नहीं आगे कितना चलता है, मगर ये कि जब तक बंद नहीं होती तब तक पेट्रोल नहीं डल पाया। अल्हम्दुलिल्लाह भाई शौकत के मिनी जू वाले रोड पे हम पहुंच गए और गुजरांवाला एंट्रेंस के बोर्ड से यहाँ तक जो वो डरते डरते आए, गुजरांवाला बोर्ड तक की जो सिक्योरिटी थी कि हम जरूर पहुँच जाएंगे बगैर बंद हुए मोटरसाइकिल, लेकिन यहाँ से डर लग रहा है कि किसी भी वक्त जो है वो बंद हो सकता है। हम पहुँच गए भाई शौकत के मिनी जू पे, नॉक करते हैं देखते हैं वो मौजूद है कि कहीं आगे पीछे गए हैं। वैसे दरवाज़ा तो खुला ही है, भाई शौकत यहाँ पे है नहीं, और हमें अब खरे जाना पड़ेगा, देखते हैं बाइक कहाँ जाके बंद होती है। बाइक तो बंद हुई नहीं लेकिन डरा जरूर रही है मुझे। तो ये वो आ गया फिलिंग स्टेशन जहाँ से हम मोस्टली जो है वो पेट्रोल वगैरह फिल करवाते हैं, तो
तो मेरा ख्याल है कि यहाँ से टैंक फिल करवाते हैं और फिर ही घर चलते हैं। ऐवी खाम खा रिस्क में पड़े रहना क्या फ़ायदा, तो फिलिंग करवा के मोटरसाइकिल में फ्यूल की फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ से होने लगा फिर महंगा तो नहीं होने लगा पेट्रोल, रश हो गया वो। पूरा कर दिया 3000। स्विच ऑन करते हैं और निकलते हैं घर। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हम घर पहुंच गए और देखें गली में बच्चों के खेल। कुर्सी को एज वॉकर यूज कर रहे हैं। अल्लाह साहब भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? हैंड काले हो गए, चोट लगी। अस्सलाम वालेकुम। ये लड़का अभी तक मुंह नहीं धोया और हम यहाँ पहुंचे। हमारी छुट्टियां चल रही है। ओ इसीलिए हम आए देखने आप करने। कैसे सामान उतारो, उतारना पापा जी। आपका दो दफा खुलने के बाद रास्ते में हमने इसे इतना टाइट करके बांधा था कि अब मैंने खोलना है तो मेरे से खुल नहीं रहा। आसिम आप उठाए। ये उठाए आपको बता दे जरा। सर ने चीज उठाए आपको आज लग समझ जाती है। चले अंदर। मुझे लगता है कि आपने कभी देखा भी नहीं ना जिंदगी में पहले। देखा था वीडियो में। ये नुकसान भी है वीडियो का। आज चीज लेते हैं। हाँ जी चीज लेके आया हूँ मैं आपके लिए। आज तो शादी भी है। ठीक। आसिम से भी खुल गया अभी तक गिरे। हो गया। क्या ले चीज? गांव से। गांव से? हाँ जी। गांव से मिलती है? हाँ जी। मिली है? आपके लिए मिली है। खुल गई। क्या बोला? एक है। एक है? हाँ। वैसे एग का भी कहें तो डायनासोर्स के एग इतने इतने बड़े होते होंगे कि नहीं? उठाओ जरा आप उठा लो। उठा 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 दोनों। गरम तो नहीं है। तो जी पहुंच गया। इतनी बड़ी चीज उठा लो उठा लो। गिराना नहीं है नीचे बस। कैसे उठा दे? मैंने सुताया था ना ऐसे कर। चलो जी गिराए ना ये। चलो जी छोड़ दिया। चलो जी ठीक। काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। अब ज़रा फ्रेश व्रेश होते हैं फिर उसके बाद बच्चों के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करेंगे। काफ़ी शुगर मिला होगा। अभी हाथ भी मुझे जो है वो अच्छी तरह से मुकाने हैं। असम देखिए मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाल के नहीं वो देखें उसकी शरारत। यह आपसे पहला पहना जाता है पहला। आपने मोटरसाइकिल चलानी है? ये मोटरसाइकिल चलाने के लिए पहनते हैं। नहीं पहना जाना आपसे रहने दो। छोटा वाला पहनते हैं ये बड़े वाला पहनते हैं। बड़े बच्चे इस तरह के पहनते हैं। हाँ जी ऐसे पहनते हैं। ये बड़ा चल रहा है। अब तो लोग छुप गया। चलो उतार दो। ये सोए हुए मिस्टर अब्दुल्ला हज जी ले गए। नहाने धोने के बाद हम सो गए थे और सो के उठने के बाद अब अटखेलियाँ जा रही हैं अब्दुल्ला के साथ। तो अब्दुल्ला मुझे बता रहा है कौन है गंदा बच्चा और आप भी गंदा बच्चा हो? आप अच्छा बच्चा हो? अब्दुल्ला साहब कह रहे नहीं मैं अच्छा बच्चा हूँ और ज़ारा जो है गंदी बच्ची है। और यहाँ आते ही जो सबसे बड़ी झटके वाली खबर थी वो ये कि जो हमने सोलर पैनल लगाए थे एयर कूलर के लिए वो हवा की वजह से आंधी जो आई थी उसमें नीचे गिरे और एक जो है वो टूट गया है सैडली।
चल के देखते हैं उसकी क्या सूरत हाल और आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये रहा जी वो पैनल, गिरने के बाद उतार के यहाँ पे रखा हुआ साइडों पे। ये छत से यानी दूसरे छत से जो नीचे गिरी थी, और ये इस तरफ से टेढ़ी है फ्रंट साइड से, तो पता नहीं क्या सूरत हाल। देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ से तारें बारे जो इसकी थी, जो होल्डर वोल्डर था वो टूट चुका है, ये चीज़ टूटी है और इनके साथ से कनेक्शन टूट गए। अभी से वर्किंग कंडीशन मिल करने के लिए हमारे पास दो तरीका कार है। एक ये कि इस जगह पर कनेक्शन करके इसको चला लिया जाए और इसके वोल्टेज एम्पेयर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। दूसरा ये कि इस वाली प्लेट को इसके साथ किया जाए अटैच और इन सारों का आपस में कनेक्शन बना के एक वायर बाहर निकाल ली जाए और इसे पूरे वोल्टेज के साथ इस्तेमाल किया जाए। तो अब देखते हैं कि कौन सा सोल्यूशन जो है हम इजीली कर पाते हैं। इस साइड की ये वाले सोल्यूशन तो हमने सोच लिए, मगर फ्रंट साइड से इसकी क्या कंडीशन है वो भी देख लें। माशाल्लाह, ज़ाहरी तौर पे तो कहीं से कोई इसमें क्रैक व्रैक नहीं है, कहीं से टूटा वूटा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। पैनल जो है वो ठीक है। तो जल्दी से कोई प्रोग्राम बनाते हैं इसको रिपेयर करने का। हमें ये वाला कनेक्टर जोड़ना है और वायर्स लगा के इसको दोबारा से वर्किंग कंडीशन में लाना है। वाटर कूलर हमारा एक प्लेट पे चल तो रहा है, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो काफी स्लो हो गई। दो प्लेट सही होंगी। अब इस काम के लिए हमें चाहिए होगा एक अदद काविया और अल्फी। इंशाल्लाह इन्हीं दोनों चीज़ों से हमारा पैनल जो है वर्किंग कंडीशन में दोबारा आ जाएगा। तो प्लेट की रिपेयरिंग का जो काम है वो जारी है। मैंने कहा क्या प्लेट उठा के मैकेनिक के पास लेके जाएंगे, ये एक ही टाँका इसका लगने वाला था, खुद ही लगा लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पीस जो हमारा टूटा था वो बिल्कुल ठीक ठाक जुड़ गया। अब इसको फिट करते हैं। अब ये पेज खोल के, ये वाले प्लास्टिक खोल के इनको इसके अंदर जोड़ना है, ताकि इसका माउंट जो है वो भी रिपेयर हो जाए और ये कनेक्शन अच्छे तरीके से चल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पैनल हमारा जो है अपनी ओरिजिनल हालत में दोबारा आ गया, और अपने ब्लॉग को भी यहाँ पे करते हैं और इंशाल्लाह सुबह लगा के इसको जो है देखेंगे सूरज की रोशनी में कि इसका आउटपुट क्या रहता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।